कोर्ट में लोग इंसाफ के लिए जाते हैं, फैसले के लिए नहीं। फैसला तो कोई भी करता है, फैसला तो खाप की पंचायतों में होता है, फैसला थाने में होता है, कोतवाली में होता है, लेकिन इंसाफ कोर्ट में होता है। कोर्ट में हम गए, कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिला। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। आप आ रहे प्रधानमंत्री बनकर, प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं होता है, पूरे मुल्क का होता है। और प्रधानमंत्री साहब आए हैं तो वो अगर मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार, हमारे मौलवी मौलानों के अनुसार वहाँ पे भी मस्जिद का भी काम चालू कराते, तब ये होता कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब एक मिसाल पेश होती। लेकिन नहीं, वो प्रधानमंत्री बन करके नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी के रहबर बन करके आए थे। हमें उसके इंसाफ पे भरोसा है, फर्श वालों ने जो सुनाया वो सुना दिया, फैसला एक तरफा फैसला था। और रही बात जमीन मस्जिद की, तो मस्जिद की जमीन हमें कहीं नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कबूल करना पड़ेगा, और बाकी जो है बाकी सिस्टम से आप लोग खुद देखा ही, सुप्रीम कोर्ट ने बताया मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद में ताला तोड़ करके मूर्ति रखी गई। जब सब कुछ स्वीकार कर रहा था, उसके आगे आप लोग जानते हैं क्या कहें। मेरा ये घर एकदम बर्बाद हो गया था 6 दिसंबर वाले दिन। मेरे महल्ले में बहुत से घर बर्बाद हुए, मेरे महल्ले के, मेरे घर खानदान के 8 लोग खत्म हुए, 4 लोग उधर खत्म हुए। मेरा तो बहुत नुकसान हुआ, मेरी जान जितने की चली गई। वो 2 लाख रुपया दिया तो क्या दिया, कुछ नहीं दिया ना। वो बच्चे जीते तो कितना कमाते, उनकी माँ बेवा बैठी हैं, कमा के खा रही हैं, कैसे खा रही हैं, कभी सरकार ने ये देखा? का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था, वो आज खत्म हो गया। मस्जिद की जगह छोड़ के मंदिर बनाते तो हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन अब वो मस्जिद की जगह नहीं छोड़े हैं, क्या किए हैं वो हम नहीं जानते। देखिए, धर्म के हिसाब से तो हर आदमी, अब आपके धर्म में जो है तो आपके हिसाब से सोचेंगे ना, हमारे धर्म में जो हम सोचेंगे, नाराज भी नहीं है उससे। अब जो मिला उनको बने, झगड़ा तो खत्म हुआ। नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो नहीं आना चाहिए, हम कहेंगे इसमें आना चाहिए राष्ट्रपति जी को, क्योंकि वे एक संवैधानिक तौर पे एक पार्टी विशेष की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास बड़ा पैसा बड़ी मंदिर बनाएंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं, हम छोटी मस्जिद बना देंगे। वो बता दें, बना लें मंदिर, बना लें किसी भी तरह से बड़ी बना लें, छोटी से छोटी बना लें, उसमें मेरा कोई दखल नहीं। जो सरकार चाहती वही हो जाता है, हम लोग का तो कहा होगा नहीं। अब वो बना रहे हैं, अदालत की बात है, मानने के लिए तैयार पूरे हिंदुस्तान के। अगर 30 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए चलो भाई ठीक है, अदालत का फैसला मानते हैं, अदालत सर्वव्यवस्था अदालत की बात मान ली। लेकिन दिल में तो एक हलस तो ही है हमारे, वहाँ मस्जिद थी और थी और थी और थी और रहेगी रहेगी रहेगी।